अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि आज का ब्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीन कुछ ऐसा है कि जो मेरे भाई की बेटी है उसकी बर्थडे है। सेलिब्रेशन वगैरह कुछ हमने करनी नहीं थी, बट उसने ज़िद की कि मेरी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करें। बस उसको खुश करने के लिए हमने थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली, केक वगैरह कटिंग करेंगे और सब गेट टुगेदर हो जाएंगे, खाना शाना होगा। मेहमान वगैरह जो हैं कुछ हमने मतलब बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं किया, बस घर वाले जो होंगे वो गेट टुगेदर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि खाना शाना जो है वो भी मैं ही बना रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर लूँ। तो आपने आज का व्लॉग फुल एंड तक वॉच करना है बगैर स्किप किए। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम जो है तकरीबन 4 बज गए, अभी खाना शाना बनने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। वाह, ये चावल है। बाकी सारा सामान बाहर ले गया, तुम पढ़ा देनी, तुम बना दो बैठ के, ठीक है? बस ठीक है, मैं सारा सामान अंदर से लेके आती हूँ। यहाँ पे हम चूल्हा बनाएंगे और खाना जो है हम स्टार्ट करेंगे। सामान सारा इधर है। हमने ना ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है, मैंने और मेरे तायाबू की बेटी ने ना मिलके। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मायरा नो, आपका सरप्राइज है, आप बैठ जाओ, आपका सरप्राइज है। ये सारी डेकोरेशन जो है मैंने और जैनी ने मिलके की है। कैसी लग रही है? अभी मैंने ताई अम्मी को सारा सामान वगैरह जो है वो बाहर पकड़ाना है। मैंने कहा पहले मैं ना आप लोगों को ये सारी डेकोरेशन जो है वो दिखा दूँ। मैंने ना सोचा था कि ये वाला पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये भाई एक ले के आया था, अगर दो थे ना तो फिर हमने पूरी दीवार को सजा देना था। एनीवेज छोटा सा मतलब हम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। बाकी सामान वगैरह ताई को दे के आते हैं बाहर। दो टमाटर रखने ने, ठीक है, बाद चो ते बाकी है सारा कुछ तुसी बना दो। मोटा मोटा मोटे मोटे प्याज करना, मेरा नू आगे वो करना है, ब्लेंड करना है। तो इन्हों का इनू कटना है, तो इनके पत्ते ला के रखने, ठीक है? बाकी सारा मसाला वगैरह जो है वो ताई अम्मी बाहर बना रही थी। और यहाँ पे मैंने ना दो ये वाले पैकेट और दो साशे जो थे ना बिरयानी मसाले के, वो मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिए। और एक इसके अंदर मैंने चिकन किनौर जो किनौर का जो क्यूब था ना वो डाला था। बिरयानी माशाल्लाह मैंने 4 किलो बिरयानी बनाई थी, बनवानी तो बाहर से थी, बट भाई कह रहा था कि तुम खुद ही घर में बना लो। और दूसरी साइड पे मैंने इमली और आलू बुखारा जो था ना उनको भी मैंने ना वॉश करके ना एक साइड पे रख लिया था। ये सारा इस मसाले के अंदर ना दही डाल के तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। गैस पर इतनी क्वान्टिटी में खाना मतलब सही से चारों तरफ से लगता नहीं है। तो हमने ईंटों का चूल्हा बना के ना तो हमने ना वहाँ पर बिरयानी बना ली। खाना बनाते बनाते देर होगी, वैसे देर नहीं, थोड़ा ही टाइम था, शाम का टाइम था। वैसे सर्दियाँ हैं ना तो इसलिए ना रात जल्दी हो जाती है। यहाँ पे ना जो चावल हैं हमारी बिरयानी है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। और इतनी मज़े की, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की, माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी थी ना कि सबको अच्छा लगा था। अच्छा जी, तैयार शायद हम सारे हो गए हैं, खाना शाना भी बन गया है। और बाकी कोई भी घर में कोई गेट टुगेदर हो ना तो हम सारे ना मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो खाना शाना बन गया, तब लाइट नहीं थी तो मैंने कुछ खास रिकॉर्डिंग नहीं की। तो बस अभी लाइट आई है, खाना शाना खाते हैं और उसके बाद जो कुछ होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमने ना सारे जो मायरा के गिफ्ट्स वगैरह थे ना जो हमने लेके जाने थे वो पैक करके रखे हुए थे। वाओ, ऊपर देखो, सबने देखो ब्लैक सूट ही पहने हैं। अम्मी ने भी, अम्मी का भी ब्लैक ही है। इंसान जो सोचता है ना वो होता नहीं है। मैंने व्लॉग के स्टार्ट में पता नहीं बताया हुआ था कि कस्टमाइज केक वगैरह बनवाना है, तो वो भी नहीं बन सका। बस यहाँ पे मायरा को खुश करने के लिए बस हमें जो ठीक लगा वो हमने
केक वगैरह बनवा लिए और यहाँ पे सब माशाल्लाह से बैठ के खाना शाना खा रहे हैं। और उसके बाद जो है हमने केक कटिंग की और मायरा के साथ हमने जो अभी है ना उसका बनी वो भी चला था मेरे लिए बर्थडे करो तो मैंने पूछा तुम्हें कौन सा केक बना था वाइट कलर का केक है। तो यहाँ पे भाई वगैरह यहाँ पे सारे खड़े थे, हम केक कटिंग कर रहे थे, वो मैंने ऑफ कर दिया वरना कॉपीराइट आ जाता ना। सब इतना खुश थे मतलब मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने मायरा को खुश करने के लिए सब कुछ किया। फिर उसके बाद हमने गिफ्ट वगैरह जो थे खोले, गिफ्ट मतलब कुछ भी ऐसा कोई हो ना, कोई फंक्शन हो या कुछ भी त्यौहार हमारे इधर तो लाइट जो है ना वो चली जाती है। फिर उन्होंने केक खाना शाना खाया और उसके बाद यार मैं खाना शाना क्यों कहती हूँ, मैं देखी भाई हूँ रोटी छोटी खा ली है देखी भाई कैसे कहता हूँ। अच्छा तो ना रोटी खाने के बाद ना रोटी छोटी खाने के बाद केक कटिंग किया, उसके बाद सबर नहीं हो रहा था बहुत सीरियसली। मतलब इतना अच्छा ट्रीट कर रही थी सबको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे लगी हुई थी। एनीवेज फिर ना केक वगैरह कटिंग किया और सब चले गए और मायरा तो बहुत ही खुश थी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश थी। और उसके उसके बाद उसे कंट्रोल ही नहीं हुआ कि वो बस कही जा रही थी कि ना वो करें गिफ्ट्स खोलते हैं। तो मैंने उसे पूछा था, मैंने मतलब जो उसने मुझे कहा मैंने उसको वही गिफ्ट ले दिया और बाकी सब ने उसको बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। और उसके बाद जो है बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। फिर मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, मैं तो 11 बजे सो गई, बाकी कजन्स वगैरह ने मिल के ना काम शाम कर लिया। और इसके बाद जो था ना व्लॉग को इधर ही एंड कर दूंगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह किसी अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।